हेलो किसान भाइयों, आप लोग का स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। और भाई आज हम लोग करने वाले हैं टेस्टिंग रोटावेटर की। नॉर्मली पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इंजन को और हम आपको बताते हैं कि हमारी जो मशीन है कोई भी वाइब्रेशन इसके अंदर नहीं है। हम आपको दो तरीके से मशीन चला कर दिखाएंगे, एक नॉर्मली ऑटोमेटिक चलाएंगे, एक मैनुअली चला कर दिखाएंगे आपको। दोनों तरीके से चलाएंगे। पहले हमारा जो बंदा है वो हमारा मैनुअली चला रहा है, आपको नॉर्मली क्लच पकड़ के इसको चलाना होता है। इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। और भाई बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, कोई भी इसके पार्ट्स अगर खराब होते हैं तो आप नॉर्मली लोकल मार्केट से मंगा सकते हैं, ठीक है। पहले हमारा जो बंदा है उसने दिखाया कि आपको नॉर्मली क्लच के माध्यम से कैसे चलाना है मैनुअली, ठीक है। अब हम आपको दिखाएंगे कि विदाउट क्लच मतलब ऑटोमेटिक कैसे चलाना है, ठीक है। आप लीवर घिस देंगे ऊपर तो ऑटोमेटिक चलने लग जाएगी अपने आप, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर, ठीक है। और मोड़ने में बहुत लोग कह रहे थे मोड़ने में भाई दिक्कत होगी, भाई कोई मोड़ने में दिक्कत नहीं है, कोई भी चलाए बिल्कुल आसानी से चलेगी, ठीक है। सिंगल हैंड भी आप यूज़ कर सकते हैं, ऑटोमेटिक भी चल रही है अपने आप, जैसे कि देख सकते हैं वीडियो के अंदर, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं कि भाई आपकी मशीन मजबूत नहीं है, हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे। नॉर्मली हम इस पे मशीन पे खड़े होकर आपको दिखाएंगे कि हाँ हमारी मशीन मजबूत भी है और चलती भी है। हमारा जो पाइप फोर्स का पावर इंजन है हम लोग का, फील्ड मार्शल का, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, नॉर्मली हर लोड को ले लेता है, ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं आप, ठीक है। और भाई अगर आपकी आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल।